हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है और मैं यहाँ पे रेडी होके बैठी हूँ, मतलब जाने के लिए। अब हम लोग निकलने लगे सडनली से प्लान। वैसे तो कल था, फिर हमने निखत को लगे निखत एग्जाम के बाद चलेंगे, तो निखत मानी नहीं कि नहीं मुझे आज ही जाना है। तो फैज के तो खत्म हो चुके हैं, फैज तो घर पे ही है। आज उसने छुट्टी करी थी स्कूल की कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे एग्जाम खत्म है। तो मैंने उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, मैंने कहा ठीक है तू घर पे रह जा, एक तारीख है तू आराम से रेस्ट कर। और फिर निखत गई थी एग्जाम देने, निखत आ गई थी। फिर उसके बाद उसने खा पी के नहा धो के वो ट्यूशन के लिए निकल गई। इतने मैंने घर का सारा काम करा, फिर मैं हुई रेडी नहा धो के। अब हम लोग निकलने लगे, 5 बज गए, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है उसको, कहाँ उसका मन करता है, कैफ़े वगैरह। चुके रेडी तो चलते हैं फटाफट से, लेट नहीं करते, आना भी है, उसका एग्ज़ाम भी है 3 तारीख को, तैयारी करेगी ज़्यादा बाहर नहीं। और यहाँ पे मैं हो चुकी रेडी, निखत का बैग ले लिया, अपना भी ले लिया, तो निकलते हैं। चलो मिलेंगे आपसे वहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके थे द मीनार कैफ़े, जो जामा मस्जिद के एकदम सामने था, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हम लोगों ने इन्जॉय करा, फुल मस्ती करी, और यहाँ से जामा मस्जिद का जो व्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। आप खुद ही देख लो, इतना प्यारा व्यू है यहाँ से। और ये मेरा एक तरह से तो बर्थडे गिफ्ट है, मम्मा पापा की तरफ से इतने सारे गिफ्ट तो मिल ही गए, ये भी एक बर्थडे गिफ्ट है मम्मा पापा की तरफ से। और बहुत ज़्यादा मज़े किए हमने वहाँ पर। तो अभी हमने ऑर्डर किया था चाउमीन। पापा देखो, पापा तवे का अंदर ऑर्डर किया। अभी मीनार कैफे जो है जामा मस्जिद के सामने है ना, गेट नंबर 1 के सामने। 1 के सामने कैसा लगा? कैसा लगा बाबा? बहुत अच्छा लगा बाबा। खा खा के थक गए। तो तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं 2 घंटे ट्रैफिक में रहने के बाद। अभी जस्ट हम लोग घर पे पहुंचे, इतना ट्रैफिक था लाल किले और जामा मस्जिद पे, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर। ठंडा तबीयत खराब हो जाएगी, मिक्स करके पी लो। तो गए थे हम लोग डिनर करने, लेकिन इसके बाद उनको भी अर्जेंट काम था, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम सोचा कि क्यों ना चाउमीन वगैरह मंगा लेते, खा लेते, उसके बाद डिनर इसके पापा बाहर से लेके आएंगे। तो अभी जो हमारा डिनर है, और आज वैसे भी कल है गांधी जयंती, कल है गांधी जयंती, तो छुट्टी है, लेट नाइट सोएंगे, लेट नाइट उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट नाइट सोएंगे, लेट मॉर्निंग उठेंगे, हमें कही थी लेट नाइट सोएंगे, लेट नाइट उठेंगे, ऐसा नहीं है। और फैज का भी एग्जाम नहीं है, निखत का भी नहीं है, तो छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा लेट भी हो जाएगा। मैंने इनको बोल दिया है, बट मेरी कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, तो मैं कल की सबकी छुट्टी है, आपकी छुट्टी नहीं है। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ चुकी है मेरी कोन वाली आइसक्रीम, भी आइसक्रीम भी हमने खा ली की कपड़े बस हैंड वॉश करके उनके पहले खा लेते, फिर आराम से खाना खाएंगे। और मैंने कही थी अपने लिए कोन, और ये लोग लाके आए थे अपने लिए दूसरी वाली। इतना कितना हाथ उठाना है, कितने पे कंट्रोल करना, सब बताया। तो हमारे यहाँ एक ट्रेनर आया है जो कि कल नहीं आया था बर्थडे पे, आज आया है। डांस कितने ट्रेनर? हाँ, डांसर भी और ट्रेनर भी। तो आज आज इसको टाइम मिला, चलो कोई नहीं, आया तो सही। कैसे हो गाइस? आप बहुत बड़ा इंसान बन चुका है ये, जानते। बहुत छोटी शुरुआत है, चलो इंशाल्लाह और बढ़ा जाए और आगे तक जाए। आया बहुत अच्छा लगा, निखत को भी, इसको बहुत याद कर रही थी। आगे से ऐसी गलती करेगा जतिन? नहीं करूंगा, बट इसकी सजा मेरे को मिल ले, बचा कुचा केक मिल ले। देखो बचा कुचा केक में कुछ भी नहीं, हमने इसके लिए रख रखा था वो इतना सा प्लेट आगे चाटी पड़े। देखो करेगा अब गलती, सॉरी बोल, नहीं करूंगा, बट अच्छा ऐसी गलती करूंगा। सर सॉरी बोल, सॉरी गाइस, सॉरी मेरी फैमिली को, यही आया नहीं, मैं खुद ही अकेले जाऊंगा। हाँ, बेचारे के लिए देख ले, मैंने कितना प्यार है, हमने बचा के रखा था तेरे लिए। बहुत रात हो जाती है, उसके बाद जतिन चला जाता है अपने घर, और मैंने कुछ ज्यादा शूट नहीं किया।